भाई को निमंत्रण लाए भैया, छोटे भैया को ब्याह आ गया। तो भैया इतनी ठंड में कौन ब्याह कर रहा है यार? अरे ठंड है भाई तो ब्याह कर रहा है। तो ठंडी हो रही मतलब तू बर्तन नहीं मांजे? तुमसे बस इतनी तो कह रहा है कि अबे ठंडी लग रही सुबह मांज लिया अभी। पंगत तो रात में है। अरे दिन में भी हैगी। अबे दिन में गांव के इनका एक हवा आ गए तो अपन गांव के इनके साथ साथ खा लेंगे गुलाब जामुन बर्फी, और जब रात के बारात आ गई बराती इनके साथ सामने लोग भी इनके साथ भी खा लेंगे। मतलब पहले धर्मपत ने उठाई फिर वह सूरज उठा। तो सारा मान चाहिए। अरे घर की लक्ष्मी है तो 4 बजे रात को उठ कर खड़ी हो जानी चाहिए। कौन लक्ष्मी? तू लक्ष्मी और कम, मैं तो लक्ष्मी देख रहा। पैसा हो वे इसका हो रे, पैसा हो बारे इनका ठंड नहीं लगेगा। पैसा गर्मी रे भैया। भाई पता तो चल रहा लक्ष्मी जी आ रही है, ऐसे आ रही और तुम सो ही रहे। भाई तुमने बिन न कही कहीं कौन डिस्टर्ब करे, जे सो रहे जे जा रही लक्ष्मी जी। टाइम पे उठ जान। लेकिन भैया मैंने तो सही सुनी तुम्हारी घर वाली शकुंतला सुबह से नहा ले पूरा काम कर ले। और कौन कह रहा भाने ना एक महीना से? अब तो हम समझ गए उन्हें सुबह 4 बजे से सपड़े हैं जब विमान है। चाय पी के ही मानो तुम। अब तुम सुई उठ जाओ। तुम उठ जाओ। हम उठ गए, अब तुम उठ जाओ। तू उठ गई तो भाई तू है लक्ष्मी जा घर की का। मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मा। अरे तो चाय तो पी लो। हाँ तो चाय पी लेंगे, लिया चाय। चलो आ जाओ तई चाय। होते मोते नहीं आ रहा इतना लिया चाय। तो सूटर तो पहन ले। फिर साड़ी कैसे अच्छी लगे? मैं जाके नहीं सपा लू, 35 दिन हो गए बास आने लगी तुम में से। अरे यार तो तू कौन सूंग रही यार, फिर दिमाग खराब कर रही तू सपा ले। ठंड में आग लगा कोई हमसे सीख है। ठंड है रे ठंड। यार जो धुआं मेरी तरफ को आ यार, मेरी सास तो मुझ प्यार भी नहीं करे। तो फिर ठंड ऊपर गले पोड़ के सो जा रही, नींद लगा के ठंडी हो रही। अब सो भी नहीं, सो गई बात तो तू उन के रही। पर देख जे तू मेरी धर्म पत्नी भैंस है, धर्म पति होवे के नाते मेरो कर्तव्य है कि तू सोवे जा। जिस पहल मैं तो उस पूछूं कि तू रोटी खा ले। हाँ। कितनी खाई? अच्छी रोटी खा ले। 5 खा ले। खब गई। अब रोकी एक मिनट है, और तू सोवे जा रही रोटी खा डायरेक्ट है ना, जही बैठी एक मिनट। बे बर्तन कौन मांज जाओ? बासन मांज रही मैं। कौन नहीं मांज रही भाई? ठंडी लग रही, इतनी ठंडी हो रही। तो ठंडी हो रही मतलब तू बर्तन नहीं मांजे? सुबह मांज ले अभी। ऐसे अच्छा लगेगा यार जी, ऐसे भैया से बर्तन पड़े रहे हैं। अरे यार इतनी ठंडी हो रही है को मांजे। तो तूने रोटी खावे ना तो नहीं कही कि ठंडी हो रही नहीं खाऊं रोटी है? रोटी खावे के बाद ठंडी ज्यादा लगे तो भाई नहीं खाती रोटी। अगर रोटी खावे के बाद तो ज्यादा ठंड लग रही नहीं खाना तो बिल्कुल मत खा रोटी, आज से त्याग दे रोटी, व्रत रहे। बिल्कुल भगवान भी खुश रहे कि यार देखो बेचारी व्रत रह रही है अपने घर। बस बर्तन मांज भी ना जान निकल रही, ना सोबे के ना निकल रही, ना खावे के ना निकल रही। और अभी कह दो चल तो घुमा ले चल रहा भोपाल बड़े तालाब कने खड़े हो देखेंगे ठंडी ठंडी हवा, जब नहीं किए बिल्कुल के मोर ठंड लग रही। बर्तन मांज भी पानी ठंडो हो कितना ठंडो हो बाहर वस पड़ रही। इतना सुन मेरी बात, तू मेरे का बस एक कारण बता दे, एक कारण बता दे कि मैं जैसे बर्तन नहीं मांज रही। तुमको सीधो से साधारण कारण बताए? बता। देखो अपने कितने एक बोरी बासन भरे हैं, 100 थाली तो हुई है, अपन दो जने तो खावे हैं, दो दो थाली में भेड़े हैं तो भी एक हफ्ता नहीं मांजने पा रहे। बाह ये उंदर है, तूने बस 5वीं तक ही पढ़ाई करी, 5वीं नहीं गलती इसकी थी। कितनी तीसरी फेल है क्या? दूसरी? तीसरी। हाँ तीसरी फेल पढ़ी लिखी उंदर है, तूने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, नहीं तेरो गणित में कभी ज्यादा ही तेज दिमाग चल तो फिर तू मोए ही पागल बना देती हरकत। मतलब अपने कन 100 थाली है जेब का, मतलब तू 2 थाली सुबह ले पाटी 2 शाम के ले पाटी को ढेर लगाती जा रही तो फिर मांजे कब? महीना में एक था है? तुमसे बस इतनी तो कह रहा है कि अब ठंडी लग रही सुबह मांज ले अभी। सुबह मांज ले अभी? नहीं 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 रुक जा, मैं हिसाब लगा लें पहले। अपने कन 100 थाली, एक मैं ले पाटूंगा एक तू ले पाटी, 2 सुबह 2 शाम 4, मतलब 4 धाम 40, 10 दिन में 40 थाली लिपटेगी, पूरे महीना भर में 120। अपने कन 100 है, एक काम करूं फिर सुबेरे जाके 20 थाली और लिया हूँ, टोटल 120 हो जाए। पहले महीना भर में 120 थाली लिपाटेंगे, फिर एक दिन को टाइम निकाल के बढ़िया इतवार टू इतवार मान दही पूरी है ना।
और एक काम कर, अबे भी कसर रह रही हो नहीं, अबे कम बास आ रही हो, तो फिर तू एक काम करिए, पूरे गांव के इनके थाली ले आइए, कोई की मुर्गा बारी, कोई की कड़ी बारी, कोई की दाल बारी, सबकी लिपटी लिपटाई आली टेढ़ी थाली ला के जहाँ पटक दे, और थोड़ा घूड़ा ला के पटक दे, पूरा घूड़ा अपने ही घर में पूर दे। तुमसे बस अब बासन मांझवे की मना कर रहे, तुम कहाँ पहुँच गए? ये तो सुन मेरी बात, ज्यादा मुँह से तेज मत चलाई समझ में, वो तो जाके बर्तन मांझ ले चुपचाप। मैं नहीं मांझ रही, मैं तो सोबे जा रही बस। अरे यार तू है नहीं, एक तो तू इतनी तेज चले और मोगोत्सा ही बहुत तेज आ तेरे ऊपर, लेकिन है नहीं मैं तेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकूं, कछु के भी नहीं सकूं, तो उसे खींच के फिर मेरे कर्तव्य आ लिया जा के, मैंने तेरे साथ सात वचन लाए थे, मैंने कसम खाई थी तेरे साथ निभावे की, तो अत्याचार नहीं करूंगा, और मैंने साथ देवे की अगर कसम खाई थी तो मैं निभाऊंगा साथ। तूने मुझ कभी कही के मुँह से बर्तन नहीं मंज रहा अकेली से, चलो तुम मंजवा लो मेरे का बर्तन, कही तू उनका भी जा? तो मैंने कही तो सके तू मोस ऐसी कही, तो जब तूने मोस कही, तू तेरे मन से कहती तो मैं मंजवा ले, तो लेकिन अबे तू जाके मांझ ले बर्तन, है ऐसा अच्छो नहीं लगे, बर्तन पड़े रहे रात भर यार बास आ, और मैं तो जही सो, तू तो जाग होते सो जाएगी मुझ दिल लंग। ऐसा तुमसे कह दे अभी तो के बासन मांझ ले। हाँ तो अबे तू मांझ ले जा। मैं नहीं मांझ रही, मैं तो सोबे जा रही। कौन नहीं मांझ रही यार, ठंडी हो रही आज बहुत तेज, आज ही पड़गा पूरो तो सार, पूरो जगत को तो सार आज पड़गा, आज से पहले कभी तो सार नहीं पड़ो, और तू तो जम गई बर्फ में बिल्कुल। अब एक आध दिन सोच लो, पड़ा ही ठंडी इतनी तेज। मैं है नहीं, आग लगा दूंगा पूरा घर, गर्मी गर्मी हो जा रही, घर में चल जाए। एक तो मैं दहेज के खिलाफ है, तो नहीं तेरे पापा ने मुझ साफ साफ कही थी के जमाई जी हम दहेज में पक्को घर दे रहा है सिमट को, तुम ले लेते दहेज। अरे यार तू जा बता, आज तक मैंने कई दहेज की कई कभी कूकर दाए तो नहीं तेरे मामा ने दहेज में, वो भी मुश्किल से ला, मैंने मुश्किल, मैंने साफ मना कर दी थी कि सुनो मामिया सुसर मुँह नहीं चाहिए कूकर पूकर, अब भाई कूकर कोई दे भी एक चीज है, चलो हाँ अच्छा दे भी रहा है कूकर मान ले दे रहा है, और मैंने बहुत मजबूरी में बात कबूल करो कूकर है तुम्हारी, क्योंकि मैंने तेरे मामा से क्लियर कही थी दे रहा है तो भाई को दे दो, हॉकिंस पॉकिंस को खाना तैयार दो मिनट में, बा भाभी कमाल कर दी, वो बारो कूकर देते तो मैं सोचता हाँ एक तो नाम को नाम रहेगा जमाई का कूकर दा, और कूकर भी है सुधा, हम तेज एक दिन में नाग लगा देगा, हम छेद होगा नीचे गरम हो पे गला वाम का तू है, तो अबे का चाहत तुम, अबे का करने वो बर्तन मान दे जा, अबे तुम सो भी जा रहे, मैं बासन नहीं मांज रही आज। ये तो सुन मेरी बात, भांजक जाके एक चूल्हा गड़ा ले, बाम एक हाथ से तापती रही एक हाथ से बर्तन मांझती रही, लेकिन बर्तन मांझ ले मेरा दिमाग खराब मत करो, ज्यादा ही तो ठंड लग रही नहीं, इधर सुन जो आंगरा ले जा ले, तुम पहले पानी देख के आ जाओ कितना ठंड हो रहा, मैं अभी देखूं कितना ठंड हो रहा, जो कोई ठंड मैं बताऊं अच्छा आज पानी डालूं जाकू। अरे यार एक तो सो गई ऊपर से, मेरी कसम बीच में आ जा, मेरी कसम बीच में नहीं आती नहीं, आज पूरी गीली कर देता हूँ, कोई बात नहीं सुबेर देख लूंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब कोई है क्या? नहीं है। हाँ क्या होगा भैया जी, निमंत्रण देवे आए थे। काई को निमंत्रण लाए भैया? छोटे भैया को ब्याह आ गया। तो भैया इतनी ठंड में कौन ब्याह कर रहा है यार? अरे ठंड है जब तो ब्याह कर रहे हैं। अच्छा कितनी तारीख के दिन है वो? मैं लिखी है देख लियो। अरे बात चिट्ठी मिट्टी खोल भी हिम्मत नहीं पड़ रही। 23 तारीख की है। 23 की? चलो हाँ ताप लो थोड़ी देर। बस बस और निमंत्रण लगा भी जाने लगाई दो नहीं देंगे। हाँ। वो तो 2 घंटा हो गए यार तैयार होते होते, अब तक तैयार नहीं हुई तू? बस हुई गए। जल्दी सूटर मूटर पहन और चल। समझ में नहीं आ रही वहाँ की जगह, मैं भी गुलाब जामुन खत्म हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पंगत तो रात में है। अरे दिन में भी हैगी, अबे दिन में गांव के इनका एक हवा आ गए तो अपन गांव के इनके साथ साथ खा लेंगे गुलाब जामुन बर्फी, और जब रात के बारात आ गई बराती इनके साथ शामिल लोग भी इनके साथ भी खा लेंगे। ऐसे दो बार अच्छे नहीं लगा? मतलब तो दो दान गुलाब जामुन खाओ अच्छे नहीं लगे? अरे गुलाब जामुन तो अच्छे लगे लेकिन पंगत अच्छी नहीं लगे दो बार खाब। अरे भाई भी अपने का खाबे ही तो बुला रहा है, तू का सोच रही बेका अपने का दूल्हा दुल्हन बना का मंडप में बिठाने के है ने के जी खाबे बस आ रहा है तो भे बुलाई खाबे खाबे रहे। ऐसे दो बार अच्छे नहीं लगा। एक काम करी तू डीजे के सामने नागिन डांस कर ली है भी तू नागिन मैं खा लाऊ, तू तब इनकी बस की नहीं होती पंगत ही को देते हुए मंदिर से ब्याह कर ले। दो बेर जो है तो दो बेर नहीं अपन तो 3 बेर खाएंगे भाई, बिन्न को बुलाए खाए पन्नी मन्नी रख ले जुगाड़ लगी तो रख भी लाऊंगा, तो सूटर तो पहन ले फिर साड़ी कैसे अच्छी लगे?
यार होते है लौटते हम रात हो जाएगी फिर की ठंड लग रही नहीं लग रही ठंडी ठीक है भागर जरा सी कुड़कुड़ आई नहीं फिर देखिए तू नहीं लग रही अच्छा अब यार तो दोपहर ही सूरज निकल रहा तो तू अकड़ रही मैंने करी नहीं तो सूटर मूटर पहन के चल लेकिन नहीं अब आपको कड़ रही है ठंड के मार मरी जा रही साड़ी नहीं दिखती ना फिर साड़ी नहीं दिखती फिर साड़ी नहीं तेरी हड्डी भी देखे कछु दिन माई समझ में तेरे चक्कर में कोड़कोड़ाऊंगा लग और आदमी को इतना बड़ो बलिदान वो भी कोई काम को नहीं है तू फिर भी नहीं मानेगी मैंने तेरे कहा मेरे को उड़ गया सो जा जल्दी उड़ा दू पहले मैं उड़ाऊंगा रुक ले पकड़ जल्दी उड़ा दो पहले हाँ उड़ा रहा यार सबर तो रख ले रुक जा जा कहाँ कर रहा है तो ठंडी से मरी जा रही तो कौन ने कही थी भंजा ली थी कित गई बस 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 ये को मने करी नहीं देख ही नहीं दब के मर जा हाउ अब कपड़ा ही खत्म हो गया एक आग जलाऊंगा पलंग के नीचे नहीं नहीं एक आध और उड़ा दू ले जो देख बलिदान मेरा ठीक है मैं जा रहा चूल्हे कन तापूं और लो मैं खेत पे ऐसे ही घूम के आ गया बाबे उठी नहीं है उड़िया जल्दी उड़िया काय तो पतो कितने बज गए काय कर रही कितने बज गए 9:30 बज गए सूरज माथे पहुंचे वारो थोड़ी बहुत देर में तो ठंडी के दिन है ठंडी तो लग रही ठंडी लग रही तो शर्म आन चाहिए अरे घर की लक्ष्मी है तो 4 बजे रात को उठ के खड़ी हो जानी चाहिए कौन लक्ष्मी तू लक्ष्मी और कम मैं तो लक्ष्मी दिख रहा मैं लक्ष्मा हूँगा तो इतनी सुबह से का करे अरे यार भैंस तू खूब के दे मैं घर की लक्ष्मी अब कह रही इतनी सुबह से उठ के का करे काम नहीं का करे सुबह 4 बजे उठ के सपड़ लेनो सपड़ एक बार झाड़ू लगा लेन झाड़ू लगा एक बार भगवान की पूजा कर लेनो पूजा करबे एक बार रोटी बना लेन रोटी बनावे नहीं पहले चाय बना लेन फिर रोटी बना लेनो एक बार बर्तन मान लेनो बर्तन लिपाट एक बार तो घर में अपन दो जने तो हैं काम हो जाए अब इतनी ठंडी में काय को उठा रहे तुम तू घर की लक्ष्मी हैगी क्या नहीं है के सूपड़ा खाई हैगी बिल्कुल तू तो कर ले काम दो जने तो है लक्ष्मी तू रह के मैं आऊंगा जब तो मैं तो काम जाने काम कर ले भी है। काम नहीं टेम पे काम होना चाहिए टेम पे ऐसा नहीं कि 2-2 बजे उठ रहा है भर दो फेरी में फिर काम कर रहा है ना ऐसा नहीं होगा भाई चल उड़िया जल्दी उड़िया नहीं मैं पानी डाल दूं 4 बजे से एड़ने जे सुबह से जल्दी उठ के बे अरे यार जल्दी उड़ रेन दो उठ 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 जल्दी उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ नहीं पूरी गड्डी उठ रही उठ रही उठ रही कछु नहीं कह रहा तू यार काम पे लग जा फटाक तो ठंडी काई पड़ रही अरे यार ये तो नेजी पहन के बैठ के नहीं बने तब कितना सारा काम ले रहा यार भैया ठंड तो इतनी जम के बढ़ती जा रही दिन ब दिन मुंह लग रहा 2-4-8 दिन बाद तो आदमी चलते आदमी जम जा कर एक बार अपने सही कह रहा है भैया तो पर एक आदमी मैंने देखो था कपा तो भैया बाहर नहीं सुक्का खाओ बाहर नहीं लग रही थी ठंड बिल्कुल बनियान पे घूम रहा है पैसा होंगे बाप पैसा हो वे इसका हो रे पैसा हो बारे इनका ठंड नहीं लगेगा पैसा गर्मी रही भैया अच्छा हाँ मतलब जो कोई कन पैसा हुआ ठंड नहीं लग पैसों गर्मी ठंड खास लगेगी सही कह रहा है अपन गरीब नहीं लगे ठंड हाँ जा सही कह रहा है तो लेकिन अपन से फिर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न नहीं हो रही यार लेकिन यार जो मतलब जो अपनों जो योग आयो अपनों जो समय आयो अपनी पीढ़ी अपन जामे हो गए गरीब
हाँ। नहीं तो अपने दादा कने दादा के दादा कने परदादा कने मतलब जा मान लो कि आदि मानव के समय से अपने कन पैसा ही पैसा है पर अपने समय में पैसा नहीं। सही कह रहे तुम, कहीं ना कहीं अपने कर्म खराब है। अबे भाई चलते नेम टेम से पूरो करते पालन सब चीज को अपने का अपने कहा उठ रहा है 12 बजे सोया रात के 12 बजे पूजा कर रहा है तो नहीं कर रहा है इतना ही कर रहा है जा सका हो। अरे मैं बताऊँ तुम अंदर की बात, मैं अभी गया था एक बाबा खाने तो आने बताया मेरे का पूरी जानकारी कैसे कि भैया जो अपने घर की लक्ष्मी रही ना। हाँ कौन लक्ष्मी नहीं जान। अच्छा मतलब अपनी घर वाली धर्म पत्नी तुम्हारी। हाँ, हमारी लक्ष्मी रही घर की सब दिन से रही। अच्छा जी अगर नेम धेम टेम से काम करें जैसे सुबह सर्दियाँ उठे आओ कितने बजे 4 बजे उठ के नहा लो। हाँ नहाई लो अपन ने नहानो के धर्म पर धर्म पता नहीं लक्ष्मी तो घर की भी आएगी। अच्छा बे लक्ष्मी अपन का लक्ष्मी है अपन तो लक्ष्मी है लक्ष्मी है। 4 बजे नहा ली घर में ठीक है सुबह ये दिन हुए पहले झाड़ू पोछा घर के सब हो जानी चाहिए 4:30 बजे 4:30 बजे तक ठीक है। और पूजा पाठ बिल्कुल सब नियम से मंदिर जाना मतलब जब मान लो 5 बजे तक जो काम होगा वो जो काम मतलब सूरज का उठ कर जगानो अपन मतलब पहले धर्मपत्नी उठाई फिर वह सूरज उठा। हाँ पूरा कर्म कर एक बार पूजा पत्री नहाबो धोबो सब कछु। लेकिन कहाँ आजकल क्या कर रही तुम देख तो रहे मतलब, हाँ मीटियान में जब उठूंगी नहीं तो मतलब जहाँ में लक्ष्मी जी का ताल्लुक है तुम्हें। अरे जी तो सब नियम नियम है गे यही बात तो कही बाबा ने क्या कही थी ये कोई ने कर लाए तो बाग घर में लक्ष्मी बास है समझो मतलब जो कोई ने जो नियम नियम को पूरा पालन कर ला। हाँ बाग घर में खूब लक्ष्मी खूब लक्ष्मी आ गई और खूब मतलब लक्ष्मी आने की पैसा 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 हो गया ठंड भी कम लगेगी ठंड लग लो नहीं है। और मान के चलो अपने घर में बहुत सारे नोट हो गए। हाँ और लकड़ी नहीं है तो अपन तो नोट में आग लगा के ताप सकें। लेकिन कहाँ आजकल की कर रही यार लेडीज आते ब्याह होते ही कर जो लंबत मोबाइल चाहिए नहीं नहीं मेरी बारी है नहीं है बाप मोबाइल मोबाइल की बने की बात में जितनी कहता हूँ उतनी सुनी है। आजकल तुम देख तो रहा है लेडीज है जब तक उनकी चोटी घाम नहीं लगे जब तक उठे नहीं बिस्तर में से। मैं क्या कह रहा मेरी बिल्कुल आज्ञाकारी। अच्छा कल से देखिए तुम। अच्छा कल से बिल्कुल 4 बजे उठ के खड़ी हो जाए। नहीं मेरी तो जे वाह हमरे का तुमरी पूरे जगह से पर जरूरत नहीं की बेकी तुमने देखी थी आज की अभी देख कौन सी सुन रही है। चलो जा रहा नियम अभी फॉलो करवाऊंगा। आओ मेरी बात सुन का खंजा रे चाय बनावे हत्ता दे तेरा को और गैस भी तेरी होता खंजा बना आगे जला दे मैं पहले ठंडी लग रही। अब तेर का दोपहर में 2 बजे ठंडी लग रही मेरी बात सुन कितने बजे उठी था आज तू। 10 बजे 10 बजे 10 बजे उठी तूने तो सारा मान चाहिए अरे इतने गर्व से तू कह रही मैं 10 बजे उठी थी। ठंडी के दिन देखो अब सुबह ही लग रहा हो तुम हमेशा किए नहीं कि अपने कने अगर पैसा होते तो अपन ऐसा घर बनाते वहाँ में हवा भी नहीं लगती और वहाँ में हीटर लगवा देते बटन दबाते बटन दबा के मन पड़तो तो ठंड हो जाती मन पड़तो तो गर्मी हो जाती। तो इतने पैसा अपने कन है नहीं और वे कभी हो गए भी नहीं काय क्योंकि एक बाबा कन गए थे आज में बाबा वन में उस क्लियर क्लियर कही कि अगर आपकी धर्म पत्नी सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहीं नहाती वो भी रोज और अगर बस 4:30 बजे करेक्ट 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं करे भगवान की झाड़ू नहीं लगा मतलब पहले सपड़नो सबसे पहले ठंडे पानी से फिर झाड़ू लगानो फिर पूजा करनो नहा के ठंडे पानी से नहावो जरूरी है। हाँ ठंडे से ही नहावो जरूरी जब ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी जब तू रोज 4 बजे रात के उठेगी उठ के सपड़ेगी झाड़ू लगागी भगवान की पूजा कर नहीं नहीं सपड़ के सबसे पहले पूजा कर फिर नहीं नहीं पहले झाड़ू काम कर सबसे पहले झाड़ू लगा फिर सपड़ सपड़ के फिर पूजा कर फिर बना रोटी जे सब काम कर फिर होगी लक्ष्मी जी प्रसन्न। उके बाद उठे तो बाके बाद उठे तो फिर लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं हो सके। लक्ष्मी प्रसन्न ऐसे ही हो कि अपन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सपड़ लें झाड़ू लगा दें घर साफ सफाई कर दें ताकि अपन सवेरे से ही लक्ष्मी जी का स्वागत कर सके। लेकिन नहीं भाई पता तो चल रहा लक्ष्मी जी आ रही है ऐसे ऐसे आ रही और तुम सो ही रहे भाई तुमने बिन्न कही कहीं कौन डिस्टर्ब करे जे सो रहा है जे जा रही लक्ष्मी जी ऐसा कहूँ टाइम पे उठ जान ऐसे में सही में लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए। अरे भाई तू मतलब खुद के आदमी विश्वास नहीं तो
मैं कह रहा यार बाबा ने मुझे साफ साफ कही, बल्कि तू तो कल का, तू अभी से काम पे लग। कल से उठ जाए भी तो। कल से उठ जाए भी, कल से नहीं अभी से बिल्कुल काम पे लग जाए। लक्ष्मी जी खुश कर दो अपन, 3 महीना की बात है, 3 महीना में ठंड चल जाए फिर तो गर्मी आ जाए, और अगर 2-3 महीना जग भी गई ठुटर भी गई भाई, लक्ष्मी जी खुश हो गई तो अपन ऐसा घर बनाएंगे हवा तक नहीं लगेगी वहां में, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगान पड़ा जब जाग सांस लेंगे। अबे जाग बर्तन मान ले, तू 2-3 दिन के ढेर लगा रखी है, जाओ तो बर्तन मान। रात आई के तो है। कोई देखा वो दो तो अपन जाने, ये 5 दिन के बर्तन पड़े। अब ये तो सुई ठंड पानी हो रहा हूँ तो बर्तन की बाबा मो सूरत नहीं यार, गरम की कही थी का ठंडे की, एक काम कर ठंडे से ही मान ले, मैं कल बाबा से फिर पूछ आऊंगा ठंडे से मानो के गरम से, ठीक है? हाँ बाबा बाल्टी किसका दी? देख मैं तो बताऊं बाल्टी नो उठा रहा, लेकिन बाबा ने एक बात और कही थी। कैसी? पति परमेश्वर बिल्कुल परेशान नहीं करनो, जब तक नहीं कहनो बाल्टी उठाइयो वो लोटा उठाइयो वो चरू उठाइयो ना, जितनी परमेश्वर के दे उतनी सुनो, ठीक है? ठीक है। और गरम पानी से धो ले बर्तन है, ठंडे से मत धो, में बेच कल में तो गरम पानी, अब तो अभी इतनी देर में गरम पानी करेगी, इतने में ठंडे से ही धो, कल से गरम से धो लेगी। हाँ काय सुनो तो उठ जाओ तुम, काय उठ जाओ। कितने बज गए? 4 बजे गए। और तू 4 बजे उठ गई? हाँ सपर तक ला हमने तो। तू नहीं माना, तू अब लक्ष्मी जी खुश करके ही मान है। अब तुम सोई उठ जाओ। तुम उठ जाओ, हम उठ गए, अब तुम उठ जाओ। तू उठ गई तो भाई तू है लक्ष्मी जा घर की का, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मा। अरे तो चाय तो पी लो। हाँ तो चाय पी लेंगे, लिया चाय। चलो आ जाओ तई चाय। वो ते नहीं आ रहा है, इतना लिया चाय नहीं पीऊंगा मैं तो भाई, उन्दा सो रहा 4 बजे, तेरे काम कर ले, मैंने बताया तो वो बाबा ने सब कर ले। पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, अरे दिल के ताए दिल वालों से ना करे रे तेरी। तेरी कहाँ रखते हैं आज ये अगर ते हो सकते हैं। अरे का ढूंढ रही मुझे तो बता, अगरबत्ती ढूंढ रहे? लो अगरबत्ती नहीं मिल रही भाई, तब देखो 15-20 दिन हो गए पूरे नियम से सप्रत पूजा कर रहे पूरा कर रहे सब कुछ, लेकिन लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हो रही है। तो अगरबत्ती नहीं मिल रही, लक्ष्मी माता करो ले हैगी अगरबत्ती के नहीं जा पाता। अगरबत्ती है? हाँ तो भैया तो मिल जाएगी, ढूंढ के लगा दे अगरबत्ती और लक्ष्मी माता परेशान हो, थोड़ी खबर रख ले जा। 15-20 दिन ढंग से पूजा नहीं करी के बस गाना गाने लगे, लक्ष्मी मैया परेशान नहीं हो रही, परेशान नहीं पूरे नियम से कर रहे 4 बजे से उठ के, पूरे नियम से कर रहे मान रही, मन 15-20 दिन में ही गाना गाने लगे। तो मैंने तो कही थी सुबह 4 बजे से उठ के माता को, पहले तो मैंने जा कही थी 15-20 दिन में ही परेशान हो जाए, बड़ी अगरबत्ती लगाओ थोड़ी मन में शांति रखो, थोड़े कर्म करो थोड़ी पूजन करो, पर तुम तो जा सोच रहे मन में अगरबत्ती लगाई और तुरंत बिल्कुल मैया परेशान हो गई, लो भैया जब बोरी पैसन की, ये तो होगा। अरे थोड़ा शांति रखो मन में, धैर्य रखो और कर्म भी करो जब हो परेशान, तुम तो बिन पे एहसान कर रहा है भगवान इन पे कि भैया हम 4 बजे रात को उठ के ठंडे पानी नहा रहे, एहसान कर जाएगा, कर्म भी करने पड़े थोड़े। एक तो मन में पहले लोभ रख रखो कि पैसा आगे, 4 बजे रात को उठ के पूजा करेंगे पैसा आगे महंगो घर बनाएंगे, वहां मीटर लगवाएंगे, जब सब मोह माया छोड़ के अगरबत्ती लगा, विभिन्न के मन से पैसा दंगी अपने का, ठीक है? हाँ। जा ढूंढ अगरबत्ती। आजकल के आदमी कपट का होगा, विश्वास नाम की चीज नहीं। आज तो खुश हो जाएगी देख के, देख साथ उड़गा बिल्कुल, जीवन साथी हो तो यहां तो हो। ओए ते आइए, ओ देवी आ रहे इधर आए थे का को, तू ना सपड़ो नहीं सपड़ लो, तुझे पानी कौन का गरम हो रहा? तुम्हारा इलाज है। मतलब तुम सोई सपार हो अब? ए भाई तेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं सपड़ूंगा मैं,
मैं यानी नीरज मीणा मैं सपड़ू तुम्हें कितने दिन होगा कि तुमने नहीं सापरो? कितने ही दिन होगा वो देख दिन में गिन वो है वो टुच्चे पुच्चे आदमी का मैं दिन में नहीं गिन एक एक दिन गिर रहा है आज पूरे 20 दिन होगा कि तुमने नहीं सापरो आए मैं नहीं सपड़ू सुन एक बहुत पुरानी कहावत है पहल जावा था तू सपड़ो का नहीं हमने तो सपड़ लो सपड़ ला हाँ तो अब कहावत सुन एक बहुत पुरानी कहावत हैगी कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मेल न जाए मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए मतलब? जाको मतलब जो रे के मछली हमेशा 24 घंटा पानी में रहे पर मछली में वास आ तो जे कोई के मन में मेल नहीं है वास सपड़ बे की जरूरत नहीं नहाए धोए क्या हुआ जो मन मेल ना जाए तो मेरे मन में मेल नहीं है तो सपड़ में जरूरत नहीं है तो कल से फिर हम भी ना सपड़ भी अरे तू को नहीं सपड़ेगी देख ना तो तू मछली है और मेल है वो भी तेरे मन में तू सपड़ ले अब तुमने कर दी सुबेरे सुबेरे उल्टी बात अरे मेरो मेरा मतलब जो नहीं है कि तेरे मन में मेल है वो मन तेरी गर्दन में मेल है तू सपड़ रोज ठीक है जा घेस घेस के सपड़ रोज 4 बजे पहले तुम सपड़ लो पानी गर्म होगा हमने तो सपड़ लो मेरी बात सुन मैं जा केरा जाके पूजा हो गई तेरी हाँ तो देख तेरे चक्कर में तू रोज रोज चिल्ला रही कि मेरे साथ उठो उठो आज मैं उठ के बैठ गई चाय बना लो और जो गर्दन मेल कल उठा ले जा कारो दिखान लगो भैया भैया हाँ भैया हाँ भैया कहाँ गए बे तो कहूँ गए हैं कहाँ गए खेत तरफ गए होंगे कब तक आ गए अब जो को न पता हैं कहाँ होगा अरे बे खबर ले कहा तो कैसी अरे बे बाबा नहीं है वो तो ये पहले घर है हाँ बेहद सुबह शांत हो गए कैसे अरे कहा भाई हो आज सुबह सुबह बिना नहाला हाँ हाँ फिर बेत नहाने रात बिन घर वालों नहाला बिन कहा पहले तुमने महीने एक नहीं नहा कर नहा लो तो बिन नहा ही रहते ऐसे लोटा भरो बिन ने वो डब्बा ऐसे भर के और ऐसे डारो ही तो एक चरू में वो चलेगा ऊपर लोटा ऐसे फसा फसा आ जाएगा हाथ में बिन के ठंडी सोई ज्यादा ही हो रही और जम गए ऐसे बड़ी मुश्किल से ऐसे गुल्ली खोल लेकर लोटा निकाल फेंको दूर तो भैया उनकी ऐसी कितनी उम्र हो गई थी इनकी भाभी हो गई थी 105 साल 105 साल हाँ। तो कछु नहीं है फिर उम्र ही हो गई हाँ उम्र भी हो गई थी कर करता कि जैसे भगवान ने मंजूर है तो तुम बोल रही भैया से आज 4 बजे तक कार्यक्रम पहुंच जाने कंग गांव गांव में लेके कोई ना कोई आपस में कह दे भी भाई उनसे आज अच्छा भाभी सुनो तो हाँ भैया भाई मेरे घर भाई बता रहे थे मेरे का तुम भी तो आजकल सुबह सुबह 4-4 बजे दिनों को नहा लियो अरे तुम कछु ने पूछो भैया जी इतने परेशान कर रहे कि अरे घर की लक्ष्मी आ तुम सुबह 4 बजे से उठ के सपरो झाड़ू कर लो पूरा खाना माना सब कर लो 4 बजे से उठ के पूरा काम कर लो दिन नहीं उग पाए पता ही नहीं उनके कौन से बाबा ने कह दे कि ऐसो ऐसो करने में अच्छा हाँ लेकिन भैया मैं जानी के रही कि गलत है जहाँ तो बात सही है कि सुबह से उठ के घर के काम कर लो लक्ष्मी आए सब हुए लेकिन इतनी ठंडी में सफर सफर के अगर मर ही गए तो फिर काय की लक्ष्मी हाँ इस लक्ष्मी को कब आ जा अपनी मरगत में लक्ष्मी का करेंगे अपन ऊपर ले जाएंगे वह छाती पर रख के वही तो लेकिन भैया मैंने तो सही सुनी तुम्हारी घर वाली शकुंतला सुबह से नहा ले पूरा काम कर ले और कौन कह रहा बाने ना एक महीना से तो मैं भैया तो बताऊ थे अरे भैया का बता मुँह पर तो मुझे जानकारी भैया जानकारी बाने ना एक महीना से तो ठंड पड़ रही भैया बने ना सही में तुम तो नहा भी लियो धन छाती तुम्हारी बने ना भैया बस सेंट लगा सही में नहीं नहा अरे नहीं ना बस सेंट लगा ले बस समझो नहा ला अरे भाई जी मुझे कितना पागल बना है कि पूरे गाँव की भाई हर 4 बजे से उठ के नहाए और पूरी पूजा पाठ करे सब नियम कानून से चल रही सब जनी इसे सबके घर लक्ष्मी आ रही अब मैं सुनी सपड़ रही हाँ भाभी तुम तो मत सपड़ो कोई नहीं सपड़ रही गाँव जब तुम भी काका सपड़ो कर तुम तो मत सपड़ो लेकिन तुम्हारा भज्जा फिर गुस्सा होंगे अरे भाभी तुम बाबा की टेंशन मत लो भैया गुस्सा होंगे तुम तो एक काम करो अभी जब भैया आने घर है हाँ। तो बिन से कहियो कि मैं एक बाबा खाने गई थी तो बाबा ने मुझसे कही कि जे कोई को आदमी सुबह 4 बजे से नहीं सपड़ा रोज बाग घर में कभी लक्ष्मी नहीं आए मतलब भैया को नहाओ सुबह 4 बजे से हाँ कुल मिला के भाभी तुम भैया का 4 बजे रात सपड़ा दो चाहे बाबा को बहाने ले चाहे बहू को लेकिन सपड़ा दो इनका कैसे भी करके और जब भी नहाएंगे भैया तो मैंने खुद समझ में आ जाएगी कि ठंड में नहाओ कैसे हो सही कह रहा भज्जा तुम अब उनके संग ऐसा ही करना पड़ा जब उनकी अकल ठिकाने लगे हाँ और भाई मत कह रहा था अब तुम देख रहे तुम्हारे हिसाब से भैया बोल रही अब तो हम समझ गए उन्हें सुबह 4 बजे से सपड़े हैं जब विमान है और जब कह रहा भैया बोल रही हो कार्यक्रम में पहुंच जाए की तो हम कह दे ठीक है भाभी ठंड में आग लगा वो कोई हमसे सीख है ठंड है रे ठंड
अरे यार वे भैया क्या कहें तो चले गए कौन ऐसा अपराध हो, लेकिन उन्हें अपराध तो सरल काम थोड़ी है, उनको पता है कितने कठिन आदमी हैं वे, बिनी सपन नहीं है और उन्हें अपराध तो जरूरी है। कछु तो तरकीब लगाऊ ना पारे अब उन्हें सपार बाबे। अरे चाय बना दे यार ठंड लग रही। बास आ रही गाँव से। ये प्याज तो हाथ में रखे वास नहीं आ रही। प्याज की वास नहीं। काय की वास है कि पूरा मार का कर लेते। तुम में से वास आ रही। चुप रे अरे तू शर्म नहीं आ रही तो पाप लगा तू क्या कर रही तू होश में है कि नहीं है। तुम्हें जो पता है कि आज 22 दिन हो गए तुमने नहीं सपरवाए। तो क्या करूं? सपल लू बास आने लगी तुम में से। अरे यार तू मेरे सफल वे पीछे कैसी पड़ी यार मेरे समझ नहीं आ रही यार। देखो तो तुम्हें सही बात बताएं, अपने कहते एक बाबा आए थे वे क्या कह गए हैं कि घर की जो लक्ष्मी हो उनको बस सपरे से कछु नहीं होने, जो घर को आदमी है वो भी सपरे और सुबह से पूजा पाठ नियम कानून से जैसे घर की लक्ष्मी चल रही वैसे आदमी भी चले। अच्छा तो तू मुझे बात बता, मेरे घर की लक्ष्मी है तू तेरे सफल वे लक्ष्मी भैया परेशान होगी, मेरे सपल वे इसका परेशान हो। तुम्हारे सपल वे से कुबेर भगवान परेशान हुई है। ओ जब तो दो जनों की कृपा बरस है अपने घर पे। सही कह रही यार जवाब तो मैंने सोची नहीं मैं सपड़ूंगा कुबेर भगवान परेशान हो गए तो तू सही रही, लेकिन मैं तो एक बात बताऊं। कैसी? कौन सी तक पढ़ी तू? पढ़ाई तीसरी तक। तीसरी फेल है कि नहीं? लक्ष्मी जी अगर कृपा हो गई नहीं सिर्फ सिर्फ लक्ष्मी जी की तो उस पैसा नहीं गिना। तू बता कुबेर जी और लक्ष्मी जी दो जन की अगर कृपा हो गई इतने पैसे उनका करेंगे यार तो पता घमंड आ जाओ अपन में घमंड ज्यादा पैसा हो गए तो जैसे तो पैसा चाहने पैसा तो अपन दो जन चाहने पर लक्ष्मी जी कृपा बहुत है देखा और अभी अगर लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान दो ही परेशान हो जाए ज्यादा पैसा जाओ घमंड आ जाओ फिर गाँव के इनसे मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा तो मेरी लड़ाई होगी और कहीं के दिन कोई मोत बदला ले लो और तू विधवा हो जा। जैसे भाई सुन मेरी बात मैं नहीं था पढ़ रहा तू मेरा दिमाग खराब मत कर चाय बना ले यार। हाँ, जब देख सफड़ लो हमारी बात तो सुन लो। अरे कल सुन लो यार जब कोई बात हुई यार। ओ जग में सुंदर एक ही नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। काय तुमसे जाके ऐसा पाल लू आज 25 दिन हो गए तुम्हें बिना साफ रहे। अरे मैं नहीं था पढ़ रहा यार तुम वो सफड़ देख मत के अंदर यार जब घर में हवा के तेज आ रही बिल्कुल यहाँ से लग रहा है कोई एसी लगा दा हूँ कभी खटक गए। अब जब हवा ने देखो तुम सपालू आज 30 दिन हो गए तुम्हें। अरे यार तुम वो सफर भाई मत कह यार मैं 2-3 कबेलू और गिरा रहा हूँ। अरे यार मैं जाके नहीं सपालू 35 दिन हो गए बास आने लगी तुम में से। अरे यार तो तू कौन सूंघ रही यार फिर दिमाग खराब कर तू सफर ले रोटी नहीं खान ले। अरे यार चाय ठंडी हो गई रे। सपल लो तुम कितने दिन हो 40 दिन हो गए आज 40 ही हो गए अब तो तुम दूर से पार्ट हो जाओगे एक साल हो जाएगा 2 महीना और तू कौन सूम रही तो बात आ रही ले चाय गरम कर दे अंदर खुद गरम कर लिए ही बाहर बैठो मन बहुत सपल तुम सपल लो बस। अरे यार तू ही सपल ले आज पूरे 45 दिन हो गए 45 दिन से इनसे कह रहा है सपल लो एक दिन नहीं सपरो इनने और हमें रोज रोज सफर आ रहे 4 बजे से उठा के आज आ बस जाए बिल्कुल पूरी तैयारी करके बैठे। ओए चाय बना के लाई यार बाहर मतलब इतनी जम के ठंड पड़ रही है सो मन कर रहा कि भीतर अंगरा घुसी लड़ लूं या आगे खा जाऊं थोड़ी सा आगे खा नहीं सकूं। एक काम कर चाय बना के लिए 2 कप मेरे का है एक तेरे का अलग से बना ले भीतर आग लग जाए बाहर बैठो जल्दी आ जा। आ गए आज नहीं कुछ इंतजार कर रही थी आ रही हूं। अरे जल्दी लिया यार चाय कुकर जाऊंगा जब ला गई ले पी लो चाय। वे आज तुम चाय